तौर राज्यसभा सेक्रेटरियट कमेटी सेक्शन EWCYS द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन वुमेन चिल्ड्रन यूथ एंड स्पोर्ट्स हैज टेकन अप फॉर एग्जामिनेशन एंड कंसिडरेशन द सब्जेक्ट रिफॉर्म्स इन द कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स रिफॉर्म इन द कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक with focus on following removing reference of unhistorical facts and distortions about our national heroes from the textbooks ensuring equal or proportionate reference to all periods of indian history highlighting the role of great historic women heroes including gargi maitri or rulers like rani of jhansi rani chanamma chand bibi jalkari bai अब क्या स्टूडेंट टीचर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स अक्रॉस द कंट्री में गिव देयर स्पेसिफिक सजेशंस ऑन द सब्जेक्ट ईदर इन इंग्लिश और हिंदी थ्रू ईमेल एट RSC राज्यसभा स्टैंडिंग कमिटी _ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट RSC_HRD@sansad.nic.in लेटेस्ट बाय वेडनेसडे 30th June इसकी तारीख बढ़ा दी गई है 15 जुलाई कर दी गई है। तो अब आप जो चाह रहे थे इतने दिनों से कि कोर्स बदलना चाहिए वो कोर्स आपके बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को गलत पढ़ाया जा रहा है, आज वो सरकार ने आपको मौका दे दिया, राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने वो मौका दे दिया। राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी कहती है आपको क्या गलत लग रहा है वो हटाने के लिए बता दीजिए, क्या आपको जोड़ना है वो जोड़ने के लिए भेज दीजिए। अब ये मेल आपको करना है, 15 दिन का समय है आपके पास, 15 जुलाई तक का आपके पास समय है। RSC आर फॉर रैट, S for South और C for Cat _HRD, H for Hindustan, R for Red और D for Donkey @sansad.nic.in आपको अपने सुझाव अपनी शिकायतें इस पर भेजनी है। अब इस लाइव को देखेंगे, देखने के बाद सो जाएंगे, इतना फुर्सत किसके पास है। 15 दिन का समय है, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, ये देश की तकदीर बदलने का समय है, ये देश की दशा और दिशा बदलने का समय है। मेहरबानी करके आप सबसे निवेदन है, भले ही 2 दिन की 1 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए, लेकिन अपने बच्चों की किताबें पढ़ डालिए, जहां आपको गड़बड़ लगती है उसको अंडरलाइन करते चले जाइए, उसको हटाने के लिए डाल दीजिए, और क्या जोड़ना है वो साथ में डाल दीजिए, जोड़ना है वो भी साथ में, और इसको ईमेल कर दीजिए। ये मौका आपके पास फिर कभी नहीं आने वाला, 100 साल में पहली बार ये मौका आया आपके पास, 100 साल में पहली बार मौका आया, ये मौका फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मेहरबानी करके सिंपल सा एक काम कीजिए, छुट्टी ले लीजिए, अपने बच्चों की किताब पढ़िए या तो रोज समय निकाल कर पढ़िए, लेकिन इस काम को 1 हफ्ते के अंदर निपटा दीजिए, 7 दिन के अंदर इसको निपटा कर वहां पर भेज दीजिए।